ये सब जमा हुआ है, फिसल रहा है यार, बर्फ है बर्फ है। राम राम राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हम लोग आ चुके थे गैंगटोंग से लाचेन, और लाचेन में मैंने स्टे लिया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुडोमर लेक, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे हम जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग गए थे नाथुला पास 15,000 फीट, और आज जा रहे हैं गुरुडोमर लेक, उससे भी ज़्यादा अल्टीट्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी तक का सबसे ज़्यादा अल्टीट्यूड पे आज हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग बहुत ही सवेरे राइड करने वाले हैं, क्योंकि अभी बज रहे 6, और जितना सवेरे जाएंगे उतना सवेरे जल्दी से वहाँ से आएंगे। तो सिंपल सा यहाँ से जाना है, नीचे ब्रेकफास्ट करना है या तो फिर चाय पीना है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो सीधा आपको मिलते हैं अपने बाइक पे, और आगे की डिटेल मैं आपको बाइक पे ही बताते हुए चलूँगा। तो अला इतर ऊपर खाली है, सब रेडियो के नीचे चले गए। हाँ बस हम लोग बाकी हैं, तो चलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बीसी व्लॉग्स। बीसी व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, रेडी हो गए? हाँ भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। ऑलमोस्ट सब अब रेडी है, अब हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट राइड के लिए। थोड़ा आज का राइड कुछ स्पेशल होने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिसे राइड करना पसंद है, जिसे माउंटेन देखना पसंद है, स्नो देखना पसंद है, और वाटरफॉल देखना पसंद है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। अब वाइट माउंटेन के बहुत नज़दीक आ गए, देखिए वो वाइट माउंटेन देखिए आप कितना चमक रहा, ब्लैक एंड वाइट। ये सब जमा हुआ है, थोड़ा आराम आराम से लोग को निकलना है बस। फिसल रहा है यार, बर्फ है बर्फ है। राम राम राम। राम राम राम। हटिए हटिए, आगे से हटिए ना। राम 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 राम। यहाँ पे पानी गह गया है जम, ये देखिए पूरा, ये देखिए हल्का सा बर्फ़ जमा हुआ था, तो इतना पैर फिसल रहा है, इतना बाइक फिसल रहा है, आगे का पता नहीं। ये सब में पूरा बर्फ़ है, ब्लैक आइस, और ये यहाँ पे भाई साहब अभी तो शुरुआत है, अभी तो और मज़ा आएगा। ये पूरा बर्फ़ है, ठोस ठोस ठोस। कैसा लगा? बहुत मजा आ गया, और पानी इतना ठंडा है ना, वो बर्फ उधर मैंने हाथ डाल दिया गलती से। हाथ डाल दी। अब तो हर जगह ब्लैक आइस मिल रहा है, अभी हम गिरते गिरते बचे थे, देखिए यहाँ भी जमा हुआ। बस ब्रेक नहीं मारना, ना आगे का ना पीछे का, जहाँ धूप नहीं पहुँचा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। सनलाइट हेलमेट के शीशा पड़ता है, और कुछ दिखाई नहीं देता यार,
शुभम भैया सबसे आगे, हिमांशु भैया उसके बाद। अभी हिमांशु भैया ने ओवरटेक करने की कोशिश की थी, शुभम भैया ने बोला आए साइड हटो साइड हटो। यहाँ भी है ब्लैक आइस, ये देखिए कुछ इस तरह से। चल रहा था ये पूरा गोप्रो क्योंकि आगे चेक पोस्ट है, तो चेक पोस्ट के बाद अब हम लोग चेक पोस्ट पे आ गए। और ये है वर्ल्ड का डोसा, बाय द वे वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट। हमारे दो बाइकर अभी तक पीछे ही है और ये मिट्टी में भी बर्फ जम गया। और वो व्यू देखिए, व्हाइट पीक, व्हाइट माउंटेन, जबरदस्त लग रहा है यार। लेकिन ठंड भी उतना ही जबरदस्त है। और ये जितने से वाटरफॉल सब आप देख रहे हैं ये सब पूरा पूरा जमा हुआ है। और एक सबसे ज़्यादा जो हमको अच्छा लगा यहाँ का माउंटेन रिवर, ये माउंटेन रिवर साठ पर जम, वो भी जम गया है। वाजिब सी बात, इतना ठंड रहे तो जमेगा ही। और एक वो पूरा पूरा वाइट पीक नज़र आ रहा है, मस्त लग रहा है देखने वो, बाप रे मस्त मस्त जबरदस्त लग रहा है। और अजय भाई बनाते हुए, चलो मैं भी तो, ये टूट नहीं रहा ये नहीं टूट रहा, स्लिप स्लिप बहुत हो रहा है। इस पे बनाइए हिमांशु भैया, इस पे बनाइए, इस पे टूट नहीं रहा। अब हम सब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड जो है ना वो भी बढ़ रही है। और ग्लव्स निकालने के बाद हाथ सा लग रहा है ना जैसे कट के गिर जाएगा। कोई बात नहीं, लेट्स गो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वो सामने देखिए अभी तक का सबसे बड़ा, और इधर भी बहुत ही मोटा बर्फ होगा, बहुत ही। अभी यहाँ से गुरु डोमर लेक करीब 25 किलोमीटर बचा हुआ है, वही करीब एक घंटा अगर आराम से जाए तो बहुत ही आराम से 1 से 1.5 घंटा के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। और बीच में हमने और हमारे टोटल बाइकर ने गोको निकाल दिया था क्योंकि थालुंग चेक पोस्ट एक आर्मी जोन है और नेशनल सिक्योरिटी के देखते हुए ये हम सभी इंडियनों करना चाहिए। अगर आप भी कभी आते हैं तो प्लीज़ कैमरा को डाउन कर दीजिएगा या तो फिर कैमरा निकाल दीजिएगा, ताकि हमारे देश में हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। और फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव, हर एक जगह लिखा हुआ है, हर एक जगह आपको चेतावनी लिखा हुआ है बोर्ड पे, ताकि आप कोई गलती ना करें ऐसी जगह पे। ये इतना बर्फ क्यों है भाई? एक चीज गौर किया, इतना इतना घंटा इतना इतना
देर तक मैं राइड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ना मेरा कमर, ना मेरा पैर, ना मेरा हाथ ऐसा कुछ दर्द नहीं दे रहा है। एक्साइटमेंट भाई, एक्साइटमेंट, दर्द घंटा देगा। एक स्टॉप और लिए हैं और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया हमारे रोशन भैया के बाइक के साथ। उसका पीछे वाला पार्ट टूट गया, पूरा का पूरा टूट गया, क्रैक कर गया, तो दिक्कतें हो जाएंगी। आगे चेक पोस्ट में पीछे वाला फैल लिया, उसको खोल के रख दिया जाएगा, लौटते वक्त उसको लेना पड़ेगा और देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल ये देखिए व्यू, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। हमारे भैया सब लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। एनफील्ड पे जब तक एनफील्ड वाले पैसा ना दे, और इतना पावरफुल बाइक है, इसका ब्रेकिंग बहुत ही गंदा है। ब्रेकिंग वगैरह पता नहीं, लेकिन हालांकि ये टूरिंग के लिए बनी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमने एक बंदा चला रहा है इसको। चलो कोई बात नहीं, इसको निकालो।